आप सभी को एक नए वीडियो पर स्वागत करता हूं। मैं हूं रोशन और आप देख रहे हैं डिजिटल जोन रोशन। जैसा कि आप सभी को पता ही है कि जो पैन कार्ड जब खो जाता है, किसी के पास अगर पैन से रिलेटेड कोई भी अगर डॉक्यूमेंट नहीं है और उनके पास पैन नंबर भी नहीं है, तो पैन नंबर को हम कैसे प्राप्त करेंगे, किस मेथड से प्राप्त करेंगे और किस तरीका से प्राप्त करेंगे, और कौन सी वेबसाइट से है जो हमें केवल पैन नंबर को दे सकता है। अगर पैन नंबर आपके पास आ जाएगा, अवेलेबल हो जाएगा, तो पैन नंबर से आप पैन कार्ड को ऑर्डर करके पीवीसी पैन कार्ड आप घर पे मंगा सकते हैं। साथ में पैन कार्ड को आप अपना डाउनलोड भी कर सकते हैं। अगर आपके मोबाइल नंबर आधार ये आपको पैन में लिंक होगा तो आप खुद से भी डाउनलोड कर सकते हैं। लेकिन आपके पास अगर पैन नंबर नहीं होगा तो आप क्या करेंगे? अगर आपका पैन कार्ड बन गया है, बहुत पहले ही बन चुका है, आपको पैन नंबर अवेलेबल नहीं है, खो गया है, टूट गया है या कुछ भी हो चुका है या पैन नंबर ही नहीं है, तो आपको कैसे प्राप्त होगा? तो इन सभी के लिए मैं आपको कंप्लीट प्रोसेस में दिखाने वाला हूँ। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। चैनल पर नए हुए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मन में कहीं भी और सवाल आया तो कमेंट करके एक बार पूछ लीजिएगा। साथ में व्हाट्सएप का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, जहाँ से आप व्हाट्सएप ज्वाइन कर सकते हैं और कोई भी सवाल हो तो आप हमें शेयर कर सकते हैं। साथ में जो वेबसाइट पर जो नंबर दिया हुआ रहेगा, उस वेबसाइट से भी डायरेक्ट हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले आपको आना है गूगल बॉक्स में। यहाँ पर आपको टाइप करना है utiCenter.in, सर्च कर लीजिएगा। ओके, सर्च करने के बाद पेज आपको कुछ ऐसा देखने को मिलेगा। अगर ये आपको वेबसाइट इस तरह से देखने को मिल जाएगा, ठीक है, अगर वेबसाइट आपको यहाँ पर सर्च करने में कोई दिक्कत आ रहा है तो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूंगा, जहाँ से आप डायरेक्ट इसी वेबसाइट पर आ जाइएगा। यहाँ पर आने के बाद अब आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको पैन नंबर फाइंड करना है। तो चलिए आपको पैन नंबर कैसे फाइंड होता है, चलिए मैं आपको दिखाता हूँ। उसके लिए पहले यहाँ पर लॉगिन का सेक्शन, यहाँ पर लॉगिन कीजिएगा। लॉगिन करने के लिए यहाँ पर आपको इस तरह से आपको आईडी पासवर्ड आएगा। ओके, तो यहाँ पर अपना यूजर आईडी डालिएगा, जो भी आपका यूजर आईडी होगा, और यहाँ पर अपना पासवर्ड को फिलअप कीजिए, जो भी आपका पासवर्ड होगा। तो यूजर आईडी एंड पासवर्ड आपको कहाँ से प्राप्त होगा, उन सभी का मैं आपको कंप्लीट दिखाऊंगा कि यूजर आईडी एंड पासवर्ड कहाँ से प्राप्त होगा। यूजर आईडी पासवर्ड प्राप्त करने के लिए यहाँ पर लिखा है क्रिएट एन अकाउंट, इस पर क्लिक कर दीजिएगा। यहाँ पर कुछ बेसिक डिटेल्स फिल करना हो, जैसे यहाँ पर नाम, यहाँ पर आपको डिस्ट्रिक्ट का नाम डालेंगे, पिन कोड डाल लीजिएगा, अपना मोबाइल नंबर यहाँ पर डालिएगा, ईमेल आईडी यहाँ पर डालिएगा, यहाँ से अपना स्टेट का नाम सिलेक्ट कर लीजिए, जो भी स्टेट से आप होंगे इस तरह से। इसके बाद यहाँ पर शॉप का नाम डाल लीजिएगा या तो अपना खुद का नाम डाल लीजिएगा। ओके, आधार नंबर यहाँ पर डालिएगा, यहाँ पर अपना पैन नंबर डाल लीजिएगा। ओके, इसके बाद यहाँ पर यूनिक टाइप में आपको सर्च कर लेना है रिटेलर, यहाँ से रिटेलर बाय करेंगे। 21 रुपये चार्ज लगेगा। यहाँ पर आपको लॉगिन एंड पेमेंट वाला सेक्शन यहाँ पर इसी तरह से रहने देना है। रजिस्टर एंड पे पर क्लिक कर लीजिएगा। यहाँ पर पे पर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर क्यूआर कोड शो होगा, क्यूआर कोड में पेमेंट सक्सेस कर लेना है। ओके, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर रिटेलर का चार्ज कम या अधिक हो भी सकता है, क्योंकि यहाँ पर अगर ऑफर चलता है तो यहाँ पर रिटेलर का प्राइस कम हो जाता है, 21 हो जाता है। अगर ऑफर नहीं चलता है तो यहाँ पर 49, 31 इस तरह से रहता है, कोई ज़्यादा इसमें इशू नहीं होता है। ओके, तो इस तरह से भी हो सकता है। यहाँ पर करने के बाद रजिस्टर कर लीजिएगा, पेमेंट कर लीजिएगा। ओके, पेमेंट करने में अगर कहीं भी दिक्कत आता है तो यहाँ पर आपको व्हाट्सअप नंबर दिया हुआ है, यहाँ से व्हाट्सअप पर भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। ईमेल भी दिया गया है, आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। अगर यहाँ पर इस डिस्ट्रिक्ट के अगर नियरेस्ट में अगर यहाँ पर रहते होंगे तो आप हमें डायरेक्ट भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। ओके, यहाँ पर आने के बाद चलिए मैं बैक आ जाता हूँ और मैं डायरेक्ट अपने आईडी पासवर्ड मेरे पास है तो मैं अपना आईडी एंड पासवर्ड के यहाँ पर लॉगिन कर लेता हूँ। तो मैंने अपना यहाँ पर यूजर आईडी एंड पासवर्ड फिलअप किया है, साइनअप का सेक्शन है, साइन इन कर लूँगा मैं। साइन इन करने में इस तरह से आपको सेक्शन दिखेगा, जो आपको साइन इन इस तरह से हो जाएंगे। आप अगर फर्स्ट टाइम कर रहे हो तो यहाँ पर आपको पासवर्ड चेंज करने का ऑप्शन आएगा, आप पासवर्ड चेंज कर लीजिएगा, इस तरह से आपके डैशबोर्ड में देखने को मिल जाएगा। अब हमें क्या करना है, पैन नंबर को फाइंड करना है। ओके, तो पैन नंबर फाइंड करने के लिए, इसको पैन नंबर फाइंड करने के लिए यहाँ पर आपको दिया गया, ऊपर में डैशबोर्ड दिया गया है। अगर मोबाइल में अगर ओपन कर रहे हो तो 3 डॉट टाइप का होगा, उस पर क्लिक करिएगा, यहाँ पर फाइंड पैन का ऑप्शन आएगा, इस पर क्लिक कीजिएगा। यहाँ पर पैन फाइंड का सेक्शन है, इस पर क्लिक कर दीजिएगा। क्लिक करते ही आपको पेज ओपन होगा यहाँ पर आपको इस तरह से। ओके, यहाँ पर आपको आधार नंबर की ज़रूरत पड़ेगा। ओके, जो आधार होगा। ओके,
यहाँ पर डालेंगे नेम एज पर आधार, यानी आधार कार्ड भी जो नाम होगा उसको यहाँ पर आपको फिलअप कर लेना है। ओके, इसके बाद यहाँ पर आधार नंबर आपको फिलअप करना है, जो पैन नंबर जिनके नाम से खोज रहे हैं उन्हीं का यहाँ पर आधार नंबर फिलअप कीजिएगा। इसके बाद डेट ऑफ बर्थ उनका फिलअप कर लीजिएगा। उनके लिए आपको पैन नंबर जब प्राप्त करना होगा तो पैन नंबर के लिए आपको 50 रुपये पेमेंट करना पड़ेगा। तो 50 रुपये पेमेंट करने के लिए यहाँ पर आपके इस वैलेट में पैसा होना चाहिए। तो इस वैलेट में पैसा ऐड करने के लिए यहाँ पर बैलेंस पर क्लिक कीजिएगा। यहाँ पर बैलेंस पर क्लिक करते ही आपको यहाँ पर क्यूआर कोड शो हो जाएगा, जो क्यूआर कोड जेनरेट के रूप में आपको शो होगा यहाँ पर। तो इस तरह से आपको आएगा। यहाँ पर अमाउंट टाइप कीजिएगा, यहाँ पर मिनिमम आप 100 रुपये ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपको जितना पैन फाइंड करना है उसके हिसाब से अपना सर्च कर लीजिए। जैसे मान लीजिए 2 पैन फाइंड करना है तो यहाँ पर 100 टाइप कर लीजिएगा, अगर 3 करना हो तो 150 फाइंड कर लीजिएगा। ओके, तो मुझे 100 करना है तो 100 ऐसा कीजिएगा। यहाँ पर जेनरेट क्यूआर का ऑप्शन होगा, यहाँ पर जेनरेट क्यूआर कोड पर क्लिक कीजिएगा। यहाँ पर क्यूआर कोड आ जाएगा, यहाँ पर क्यूआर कोड स्कैन कर लेना है यूपीआई के माध्यम से, फ़ोनपे गूगल पे पेटीएम जो भी होगा उससे स्कैन कर लीजिएगा। स्कैन करने के बाद इस तरह से स्क्रीनशॉट मिलेगा आपको। यहाँ पर आपको क्या होगा कि यहाँ पर आपको यूटीआर नंबर जो लिखा गया इस वाले सेक्शन में, यहाँ पर आपको यूटीआर नंबर फिलअप करना होगा। अगर फोन पे से करते हैं तो इस तरह से दिखेगा, यहाँ पर यूटीआर नंबर होता है ये वाला यूटीआर नंबर, इसमें फिलअप कीजिएगा। रिक्वेस्ट मनी पर क्लिक कीजिएगा, पेमेंट यहाँ पर ऐड हो जाएगा। अगर आप गूगल पे से करते तो आपको इस तरह से आएगा, यहाँ पर यूनिक यहाँ ट्रांजेक्शन नंबर डालना होगा, इसमें रिक्वेस्ट मनी पर क्लिक कीजिएगा, ऐड हो जाएगा। अगर पेटीएम से करते हो तो पेटीएम से इस तरह से आएगा, यहाँ पर रेफरेंस नंबर, इसको फिलअप कीजिएगा, यहाँ पर ऐड हो जाएगा। यानी तीनों मेथड से कीजिएगा तो इस तरह से आपको ऐड करना होगा। ओके, ऐड करने के बाद यहाँ पर आपको पेमेंट 100% शो हो जाएगा। फिर से आइए यहाँ पर पैन फाइंड वाला सेक्शन पर आइएगा। पैन फाइंड वाला सेक्शन पर आने के बाद यहाँ पर जो भी डिटेल है आधार पर जो नाम होगा वो मीनिंग सहित यहाँ पर आधार नंबर डेट ऑफ बर्थ फिलअप कीजिएगा। 50 रुपये यहाँ पर पेमेंट कटेगा और यहाँ पर सबमिट पर क्लिक कर लीजिएगा। सबमिट पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको टाइम दिया हुआ है, आधार लिंक पैन विथ कमिंग 30 मिनट, यानी कि जो आधार से लिंक होगा पैन उन्हीं का यहाँ पर फाइंड हो पाएगा। और जिनका नहीं अगर होगा लिंक तो आप हमें डायरेक्ट कांटेक्ट कर सकते हैं, जो आपको व्हाट्सएप नंबर या वेबसाइट में जो नंबर दिया गया है। ओके, उसके लिए यहाँ पर आपको इस तरह से पेमेंट आपको 50 रुपये चार्ज कटेगा। आपको यहाँ पर 30 मिनट के अंदर आपको पैन नंबर यहाँ को प्राप्त हो जाएगा। तो चलिए मैं अपना डिटेल यहाँ पर फिलअप कर लेता हूँ। डिटेल फिल करने के बाद आपको दिखा देता हूँ कि पैन नंबर आपको कैसे प्राप्त होता है। तो आप यहाँ पर देख पा रहे हैं कि मैंने यहाँ पर इनका डिटेल यहाँ पर फाइंड किया था। मैंने यहाँ पर 5 पैन कार्ड फाइंड किया है, यहाँ जो पैन नंबर फाइंड किया है, जिसमें यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि मैंने ऑर्डर जो लगाया था इस डेट में था। ऑर्डर लगाने के बाद यहाँ पर आपको यहाँ पर यूजर नेम दिख जाएगा, यहाँ पर नाम, यहाँ पर आधार नंबर, डेट ऑफ बर्थ, इसके बाद पैन नंबर यहाँ पर आपको फाइंड इस तरह से हो जाएगा। यहाँ पर जितना पैसा कटेगा उसका चार्ज दिखाएगा, यहाँ पर एक्सेप्ट एंड सक्सेस के यहाँ पर ऑप्शन आएगा। तो इस तरह से यहाँ पर आप पैन नंबर फाइंड कर लेंगे। पैन नंबर फाइंड करने के बाद आप जो भी पैन का आप डिटेल लाना चाहते हैं वो आप अपना खुद से कर सकते हैं। जैसे पीवीसी कार्ड ऑर्डर करना हो, अगर भूल गया है, पैन नंबर मिल गया पर पीवीसी कार्ड ऑर्डर करना है पैन का, तो आप हमें कमेंट कीजिएगा, मैं आपको उसके लिए एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा, जिससे आप घर बैठे पैन कार्ड को आप मंगा सकते हैं मात्र 50 रुपये में। ओके, अगर इस तरह से और भी कोई समस्या हो तो आप हमें कमेंट जरूर कीजिएगा। तो यहाँ पर पैन को फाइंड इसी तरह से कर सकते हैं, पैन फाइंड 100% होगा। अगर कोई दिक्कत आता है तो हमें कमेंट कीजिएगा या व्हाट्सएप पर हमें डायरेक्ट कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। यहाँ पर कोई इशू नहीं आएगा, कहीं भी दिक्कत नहीं आएगा। जहाँ भी दिक्कत आएगा आप हमें व्हाट्सएप पर कॉन्टैक्ट डायरेक्ट कर सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं एक नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ।